दोस्तों, वी और जेनी की डेटिंग की रूमर्स तो एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है जो दिन पर दिन और उलझती ही जा रही है। और पिछले दिनों में वी और जेनी की वायरल हो रही पिक्चर्स तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। तो दोस्तों, आपको याद होगा जिस ट्विटर अकाउंट ने, जिसका नाम गुरुमीन हारिबो था, उसने जेनी और वी की फोटोज़ को वायरल किया था, उसके अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन फिर से गुरुमीन हारिबो ट्विटर पर लौट आई है, या लौट आया जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो। तो दोस्तों, उसने ट्वीट करके अपडेट दिया है कि मैं लौट आई हूँ और तुम लोगों को जल्दी अपडेट मिलेगी और जो सच है उसे मैं पोस्ट करूँगी। तो दोस्तों, उसके कुछ घंटों बाद ही गुरुमीन हारिबो ने वी और जेनी की कुछ अनसीन फोटोज़ को शेयर किया। आप ही देखो। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये फोटोज मई में की हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब वी और जेनी की जेजू आइलैंड पे जाने की पिक वायरल हुई थी, और अब जो फोटोज वायरल हुई है वो भी जेजू आइलैंड की ही हैं। और आप देख सकते हो वी ने जो कपड़े जेजू आइलैंड जाते वक्त कार में पहन रखा था, वही ड्रेस का पूरा फोटोज यहाँ पे है। दोस्तों, बाकी प्रूफ के तौर पे कहा जा रहा है कि वी के राइट पैर में जो कट का निशान है वो उसी टाइम वी को यूएसए में लगी हुई थी, और उनका जो स्लीपर है वो भी सेम है। दोस्तों, और जेनी ने जो स्कर्ट पहन रखी है वो भी आप इस फोटो से मिला सकते हो। तो दोस्तों, जितने भी प्रूफ्स निकल के आ रहे हैं, इससे बहुत सारे ब्लिंक्स और आर्मीज पूरी तरह कन्विंस हो चुके हैं कि दोनों सच में एक दूसरे के साथ हैं और डेट कर रहे हैं। वहीं कुछ फैंस ने तो ट्विटर पे वॉर शुरू कर दिया है कि कुछ का कहना है कि ये फोटोज फेक और एडिटेड है, वहीं कुछ का कहना है कि इसमें एडिट किया हुआ कुछ नहीं है। दोस्तों, वहीं दूसरे पहलू को देखा जाए तो कुछ फैंस और नेटिजन्स का मानना है कि ये सारी फोटोज खुद कंपनी ही पॉपुलरिटी के लिए वायरल करा रही है। दोस्तों, क्योंकि जब पिछली बार ब्लैक पिंक का न्यू सॉन्ग पिंक वेनम रिलीज हुआ था, तब वी और जेनी की कुछ फोटोज को वायरल किया गया था, और अब फिर से जब ब्लैक पिंक का न्यू सॉन्ग शट डाउन रिलीज हुआ है तो फिर से वही हरकत दोहराई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस अकाउंट से वी और जेनी की फोटोज को लगातार वायरल किया जा रहा है, वो अकाउंट बस ब्लैक पिंक से ही जुड़े हैशटैग यूज कर रही है, जैसे कि हैशटैग ब्लैक पिंक, हैशटैग पिंक वेनम। और दोस्तों, उसने ट्विटर अकाउंट पे बोल भी दिया था कि जाओ ब्लैक पिंक को फॉलो करो और ब्लैक पिंक का न्यू सॉन्ग पिंक वेनम को सुनो। तो दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई थर्ड पर्सन इस फोटोज को वायरल कर रहा है तो वो बीटीएस से जुड़े हैशटैग या फिर बीटीएस से जुड़े नाम क्यों नहीं यूज कर रहा है, लाइक हैशटैग बीटीएस, हैशटैग वी, जो भी हो। लेकिन दोस्तों, बार बार गुरुमीन हारिबो को ब्लैक पिंक को ही प्रमोट करते नोटिस किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये सब हरकत वाईजी कंपनी खुद कर रही है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके आर्टिस्ट की इमेज खराब हो रही है और उनके प्राइवेसी को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। ओवरऑल जो भी हो दोस्तों, अगर दो आइडल सच में एक दूसरे को डेट कर ही रहे हो तो इससे आप अपना दिमाग खराब मत करो, क्योंकि इससे लॉस आपका ही होने वाला है। क्योंकि अगर ये कंपनी कर रही है तो इससे उसे पॉपुलरिटी मिल रही है। और हाँ, अगर वी और जेनी सच में कपल हैं तो इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़, लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जब तक कुछ ऑफिशियल ना हो आप किसी चीज़ पे यकीन ना करो, और इससे खुद को भी परेशान ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।